कोटा में कोरोना का कहर रोजाना नए आंकड़े छू रहा है और कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ है, जिसके बाद कोविड अस्पताल में नए रोगी भर्ती करना बंद कर दिया गया है, जिससे शहर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शहर में ऑक्सीजन की भारी किल्लत से मरीजों के परिजन दर दर भटक रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अब ऑक्सीजन का बैकअप न तो सप्लायर के पास बचा है और न ही अस्पतालों में। हालात ये हो गए हैं कि कोटा के नए अस्पताल में दो बार अचानक ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया। प्रशासन ने आनंद फानन में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर बूंदी से 25 सिलेंडर मंगवाए, जिससे इस आपात स्थिति पर काबू पाया जा सका। कहीं तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, पर अब रोशनी मयस्सर नहीं शहर के लिए। जी हां, वायदे और घोषणाएं तो हर नागरिक के संपूर्ण इलाज की जा रही हैं, लेकिन कोटा में इसके ठीक उलट कोरोना के मरीजों का इलाज तो दूर, उनको ऑक्सीजन भी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रही है। यहां कोविड अस्पताल मांग के अनुरूप ऑक्सीजन नहीं मिल पाने का संकट झेल रहे हैं। मंगलवार को मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से दो लोगों की मौत हो गई, तो बुधवार रात को भी अचानक सप्लाई बाधित होने से कोरोना मरीजों की सांसें फूल गई। हालांकि स्थानीय प्रशासन पूरी मुस्तैदी से ऑक्सीजन की आपूर्ति में लगा है, पर रिकॉर्ड मरीजों की संख्या के चलते ऑक्सीजन का टोटा बरकरार है। पेड़ों के महत्व को दरकिनार करने वाले आम आदमी के लिए भी ये एक सबक का दौर है, क्योंकि इंसानी जात ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे महज ऑक्सीजन के लिए भी इतना तड़पना पड़ेगा। A1 TV के लिए कोटा से प्रणय विजय।